हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसएससी जीडी अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास अपडेट पहुँचते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट, कंक्लूजन यानी कि आपका कथन, निष्कर्ष वाले, सिलोगिज्म वाले और आपका वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो लाइक शेयर भी करिएगा और पूरी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतीहारों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। आप कथन से मतलब समझ गए होंगे, निष्कर्ष देखते हैं। अब इससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा भाई, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, गरीब किसानों और खेतीहारों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। तो आप मुझे ये बताइए, ऊपर वाले कथन में कहीं पे अन्य किसी का बात की गई है या फिर विकास की किसी की बात की गई है? नहीं की गई है ना, तो इसको आपको हटा देना है। देखिए, कथन से निष्कर्ष निकलेगा, कथन से कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतीहारों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी, तो इससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो इसको हम हटा देंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट सेकंड वाला इसमें बोला जा रहा है, भूतकाल में समाज के किसी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है कथन से। आप पढ़ के देखिए कि भूतकाल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, किसी भी चीज की बात नहीं की जा रही है। जो यहाँ पे बात की जा रही है उसका कोई भी कंक्लूजन इस दोनों में देखने को नहीं मिला है, तो ये दोनों ही आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो रहेगा नन ऑफ दीज वाला रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसी टाइप के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी समझ में आएगा और आप खुद भी ट्राई करके देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ट्राई करके भी देखिए और देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता, तो इसका भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए भाई। निष्कर्ष यहाँ पे देखिए क्या दे रखे हैं, आयुर्वेद दवाइयाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ऊपर कथन से। अभी मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मतलब निष्कर्ष ही नहीं निकलता है, जिनका जिन कथन का कोई निष्कर्ष यहाँ पे मतलब दोनों ही गलत होते हैं, तो बहुत से बच्चे इनमें ये राइट लगा के आ जाते हैं। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि कई बार आपको दोनों ही निष्कर्ष जो गलत दिए होते हैं, दो या तीन जितने भी निष्कर्ष आपके एग्जाम में दिए होते हैं, तो आपको वहां पे जो आंसर होता है ना नन ऑफ दीज वाला, इनमें से कोई नहीं, वो आंसर भी लगाना होता है। ऐसा नहीं कि कोई ना कोई जो होगा इनमें से, तो आपको थोड़ा सा कथन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोला गया है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर निष्कर्ष निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसका तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला ना, इसमें बात ही नहीं की गई है कि भारत में आयुर्वेद की जो दवाई है वो लोकप्रिय है या नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं की जा रही, तो इसको हटा देंगे। दूसरा है, भारत में एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय है, तो इसकी भी कोई बात नहीं की गई है। तो इसी तरीके से ये दोनों भी क्वेश्चन जो आपके निष्कर्ष है डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो इनमें से भी कोई सा आपका राइट नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हमें कहाँ पे मतलब आंसर गलत करने और कहाँ पे सही करने हैं, ठीक है। और लगेगा अभी, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें और मिक्स करके लेके आऊँ। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है सिलोगिज्म से है, तो इसको भी देख लेते हैं। कथन दिया गया है, कुछ बादल दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा चप्पल नहीं है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले किसका वेन डायग्राम बनाएंगे, बादल का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बादल क्या है, दरवाजे हैं, ठीक है। तो बादल आपने बनाया, फिर कुछ बादल दरवाजे बना दिया, ठीक है। वैसे मैंने नेक्स्ट लाइन भी पढ़ ली थी, पर दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई भी दरवाजा चप्पल नहीं है, ठीक है, कोई भी जो आपका दरवाजा है वो चप्पल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, दरवाजा हो गया, और चप्पल वाला आपने कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो कोई भी दरवाजा चप्पल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, सभी चप्पल यादें हैं। अब देखिए ये वाली कंडीशन बड़ी अलग हो जाती है, जिसमें एक जो वेन डायग्राम आपको बना के दिया कि कोई भी चप्पल दरवाजा नहीं है और सभी के सभी चप्पल आपकी
यादें हैं, ठीक है, याद है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि दो वेन डायग्राम आपके अलग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि सभी के सभी चप्पल दरवाजे हैं, तो क्या पता बिल्कुल चप्पल वाले ऊपर ही इतनी ही चप्पल हो, मान लीजिए दो ही चप्पल हो और दो ही आपके दरवाजे हों, तो ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है ना। यानी कि हम इस तरीके से भी वेन डायग्राम बना सकते हैं कि पहले चप्पल वाला बनाया और बिल्कुल उसके ऊपर कोई आपके याद वाला बन गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपके यहाँ पे बन सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया निष्कर्ष। कोई भी बादल चप्पल नहीं है, तो कोई भी बादल चप्पल नहीं है, बादल और चप्पल का देखिए कोई रिलेशन यहाँ पे बताया नहीं गया, ठीक है। बादल और चप्पल का रिलेशन बताया नहीं गया, बट बादल और चप्पल का रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं कहना गलत होगा, ठीक है। जब किसी के बीच में रिलेशन कोई बताया नहीं जाता है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, कि वो ना तो है में है, यानी कि ना तो उनके बीच में रिलेशन हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो भी उनके बीच में रिलेशन बताया जाएगा, चाहे वो है का बताया जाए और चाहे वो नहीं है का बताया जाए, वो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। सभी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सभी के सभी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती है। तो यादें और दरवाजा, देखिए सभी की सभी यादें कभी भी दरवाजा नहीं हो सकती है। तो ये वाला भी, इनके बीच में देखिए कोई भी रिलेशन बताया तो नहीं गया है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने यहाँ पे गलत बोला है कि कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या पता ये वाला वेन डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी चप्पल भी आ गई और आपके कुछ दरवाजे भी आ गए, तो कभी भी दरवाजा चप्पल नहीं, सॉरी यादें नहीं हो सकती है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पे ये भी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सभी पटाखे खंड हैं। चलिए बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। सभी के सभी आपके जो पटाखे हैं वो खंड हैं, तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, कुछ खंड उपहार हैं, तो यहाँ पे कुछ खंड आपके उपहार हो जाएंगे, ठीक है भाई। कुछ खंड आपने कुछ इस तरीके से बनाया हल्का सा कट लगा के, ये कुछ खंड उपहार हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कोई भी उपहार संदूक नहीं है, तो उपहार और जो संदूक के बीच में बताया गया है वो नहीं का रिलेशन बताया गया है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका दोनों अलग वेन डायग्राम बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वेन डायग्राम बन के आएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, कोई भी पटाखा उपहार नहीं है, तो पटाखा और जो आपका उपहार है उसके बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, नहीं बताया गया ना। देखिए सभी पटाखे खंड है, कुछ खंड उपहार है और कोई भी उपहार संदूक नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए पटाखा और उपहार सभी पटाखे नहीं है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो हमें नहीं वाला मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ खंड निश्चित रूप से संदूक नहीं है, कुछ खंड जो है आपके निश्चित रूप से संदूक नहीं है, तो ये वाला राइट हो जाएगा आपका। देखिए सभी के सभी उपहार जो हैं आपके वो संदूक नहीं है, ये बोला गया है ना, कोई भी उपहार संदूक नहीं है, ये चीज बोली गई है। और ये वाला पोर्शन है, देखिए ये कल की या परसों की बात है, बिल्कुल ये ही वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको ये वाला जो था ना, ये वाला रिलेशन यानी कि जो इसमें आया है, तो इसका कुछ उपहार संदूक कभी भी नहीं हो सकते हैं, सॉरी कुछ खंड कभी भी संदूक नहीं हो सकते हैं, तो वो कौन से खंड होंगे जो कभी भी संदूक नहीं हो सकते, वो ये वाले खंड होंगे जो कभी भी संदूक नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये उपहार के अंदर है और सभी के सभी उपहार जो है आपके वो आपका संदूक नहीं हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड वाला जो है आपका पॉइंट, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, निष्कर्ष राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया था, तो इनके बीच में नहीं का भी रिलेशन हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में जिनके बीच में रिलेशन बताया जाएगा आप उससे ही निष्कर्ष निकालिए, अगर किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है तो उसके बारे में आपको कोई भी बात दी जाए कि उनके बीच में रिलेशन है तो तब भी आपको गलत कर देना है, उनके बीच में रिलेशन नहीं है तब भी आपको गलत कर देना है, बट एक स्टेटमेंट ये बचती है जब इनके बीच में बताया भी नहीं गया है। देखिए खंड और संदूक के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया, बट यहाँ पे बोला गया कि कुछ खंड कभी भी संदूक नहीं हो सकते हैं, तो ये वाली आपको खुद सोचना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन हो सकता है, तो ये वाला पोर्शन ऐसा हो सकता है कि कभी भी जो संदूक नहीं हो सकते, क्योंकि उपहार और संदूक के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं का है, और ये वाला पोर्शन जो है
वो उपहार ने खंड को कवर कर रखा है, तो ये वाला कभी भी नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे कथन निष्कर्ष से ही। कुछ चिप डायोड है, सभी डायोड ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या बनाना है, एक चिप वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ चिप आपकी डायोड है और सभी के सभी जो डायोड है वो आपके ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से आपका कुछ वेन डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें देखते हैं अब क्या बोला गया है, निष्कर्ष पढ़ते हैं इसके। निष्कर्ष में दिया गया है कि कुछ चिप निश्चित रूप से डायोड नहीं है। तो यार कैसे नहीं हो सकते कुछ चिप, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दे रखा है कुछ वाले कंडीशन सेटिस्फाई है, तो कुछ निश्चित रूप से नहीं हो सकते, ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो आपका फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब इनके बीच में रिलेशन है तो नहीं, तो बिल्कुल मतलब चाहे सम का हो चाहे आपका फुल कंडीशन हो, यानी कि पूरी सभी वाली कंडीशन हो, तो नहीं वाला तो स्टेटमेंट हट ही जाएगा जब इनके भी किसी भी दो के बीच में रिलेशन आ जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कम से कम कुछ ट्रांजिस्टर चिप है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कम से कम कुछ ट्रांजिस्टर चिप है, यानी कि आपका वही सम वाली कंडीशन आ गई कुछ वाली, तो ये वाला आपका जो पोर्शन कवर किया है, तो कम से कम ये वाला पोर्शन आ गया है, तो इसमें ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप खुद भी ट्राई कर रहे होंगे, खुद भी आप एनालाइज कर रहे होंगे कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया और आपका सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इनसे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन इनसे ही पूछे जा रहे हैं डेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन और पूर्व धारणाएं से, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। और देखिए जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जैसे आपका थोड़ा सा मोदी जी पे मतलब आपका प्रधानमंत्री पे हो गया, ठीक है, सेना पे हो गया, कुछ इसी टाइप का यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से सीरियसली देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पे बोला जा रहा है इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बने, एक समाचार। ये एक समाचार है, ठीक है, जैसे समाचार में आपने हेडलाइन नहीं देखी कि इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बने, एक समाचार। तो इससे पूर्व धारणा क्या क्या आ रही है देखते हैं। ऐसे उद्देश्यों के लिए ही सेना की मदद ली जा सकती है। देखिए अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये आपका ऊपर से ही कथन से निकाल लिया गया है, तो कभी भी आपका कथन से कोई भी पूर्व धारणाएं निकाली जाती है तो उसको हम मान्य नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है शांति करने की और यहाँ पे क्या दिया गया, ऐसे उद्देश्यों के लिए ही सेना की मदद ली जाती है, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया केवल सेना ही शांति बना सकती है, तो ये भी गलत होगा कहना कि केवल सेना ही शांति बना सकती है। एक चीज और मैं बता दूं आपको ना, कथन और पूर्व धारणाएं इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कथन स्टेटमेंट ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि जो कथन दिया गया है उसके बारे में आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसके बारे में मतलब जो ऊपर आपको कथन में दिया गया है वो चीज़ें आपको से को नीचे देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। और वो ये नहीं कि बिल्कुल डिट्टो उससे ऊपर ऊपर से नीचे उतार के लिख देंगे, जो ऊपर बोला जा रहा है उसे ही नीचे उतार के लिख देंगे, तो वो तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना होता है कि इसमें से क्या निकल सकता है, क्या क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो 100% सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन है, एक आपका आ भी चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कथन में, क्या भारत में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए ऊर्जा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें तर्क क्या क्या दिए जा रहे हैं। हाँ, परमाणु ऊर्जा के उपयोग से पर्याप्त स्तर तक विद्युत उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और इसे प्रकृति संसाधन को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है या नहीं है उससे मतलब नहीं पूछा गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या भारत में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसका एक आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ देने से आंसर नहीं आता है। इसका जो लॉजिक दिया गया है कि पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ठीक है,
तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है कथन का। नेक्स्ट है यहाँ पे, नहीं भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, अतः विद्युत उत्पादन के लिए इसे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर की कंडीशन देखें तो भारत में कुछ यही कंडीशन चल रही है। थोड़ा सा आपको मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है तेजी से समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका कोयला हो गया, एक लिमिटेड है, वैसे ये भी आपका लिमिटेड है, बट आपको मतलब सोचना चाहिए कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा। परमाणु ऊर्जा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, इनका कहने का मतलब है नहीं, क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो इसका इन्होंने एक वैलिड रीजन दिया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इसके बारे में कुछ ऊपर जिक्र किया जाता ना इस चीज़ को, ये तो मतलब ये हो गया कि ये चीज़ नहीं देखी गई है कि संसाधन है या नहीं है, बट हमें बस आंसर देना है कि संसाधन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला आपका वैलिड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि पहला सही होगा कि सेकंड सही होगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं वेन डायग्राम के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हमने ऊपर करके देखे, तो अब देखते हैं आपका ये टेस्ट मान लीजिए इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का नाम रख लेते हैं हम स्टार, ठीक है, स्टार का आपका, ठीक है। आपको बताना स्टार का आंसर क्या रहेगा, ठीक है, या फिर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, ठीक है। चलिए फिर आशा करता हूँ कि आप इसका सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कुछ इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा आरेखा चोर पुलिस और अपराधी के बीच संबंध के सही रूप में दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए एक चोर जो होता है वो अपराधी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चोर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, इनमें दो में तो रिलेशन है चोर और अपराधी में, तो ये तो तीनों के रिलेशन को बता नहीं रहा है, ये भी रिलेशन बता रहा है, ये भी रिलेशन बता रहा है। अब मुझे ये बताइए, अपराधी कुछ अपराधी चोर और कुछ चोर अपराधी हो सकते हैं, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि सभी के सभी चोर जो होंगे वो अपराधी होंगे, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है, और ये भी कुछ सम वाली कंडीशन को शो कर रहा है तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस अलग एक इनसे अलग हो जाएगा और सभी के सभी चोर आपके अपराधी हो जाएंगे, तो ये वाला आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से एक इसको भी देखिए। तो दोस्तों इसमें भी आपका कुछ इसी तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखा अपराधी पॉकेटमार और आगजनी करने वालों के बीच सर्वाधिक सही संबंध को दर्शाता है। तो देखिए पॉकेटमार हो या फिर आगजनी करने वाले हों, दोनों के दोनों अपराधी होते हैं, तो ये देखिए कौन कौन से दो कवर कर रहे हैं, तो एक तो ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये तो सम वाली कंडीशन, ये ऑल वाली कंडीशन, तो दोनों हट जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए, अब मुझे ये बताइए, आगजनी करने वाले और पॉकेटमार जो होते हैं वो बिल्कुल अलग थोड़े ही होते हैं, कोई पॉकेटमार आगजनी करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अपराधी हैं भाई, क्या पता कोई पॉकेटमार भी हो और आपका आगजनी करने वाला भी हो, तो इस कंडीशन में आपका ये वाला राइट रहेगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पॉकेटमार आपके मतलब आगजनी करने वाले हो सकते हैं, कुछ आगजनी करने वाले आपके पॉकेटमार हो सकते हैं, दोनों के दोनों आपके अपराधी हैं, तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो हमेशा सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, और इस वीडियो के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के आपके टेलीग्राम से, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी बहुत देर में, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके सारे आंसर्स होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मतलब HW के लिए होमवर्क के लिए, उसका भी आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहाँ पे टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम का। अगर आप टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और आपको ऑनलाइन टेस्ट परचेज करना है CBT टेस्ट, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे कूपन कोड भर लीजिएगा, 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 149 का वो प्राइज है उसका, 120 हो जाएगा उसका प्राइज, उसमें आपको भरना है सौरभ SAURABH और SPL, ये नीचे भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भर के आप भरेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 20% का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।